भारतीय टीम जो दक्षिण अफ्रीका गई हुई है, जिसने T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर ख़त्म की। और वहीं 17 दिसंबर से वनडे सीरीज होने वाली है और वनडे सीरीज में कप्तान लोकेश राहुल को बनाया गया है, जिसमें भारतीय टीम की स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है। और इस स्क्वाड में भी बड़े दिग्गजों की वापसी नहीं हुई है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। और वहीं स्क्वाड से पहले यह बताया गया था कि सीमित ओवरों में इन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ टेस्ट के लिए खेलेंगे। बाकी T20 और ODI सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और सभी प्लेयर जो सीमित ओवरों में T20 और ODI के लिए खेलेंगे, उसमें नए चेहरों के मौका दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इसी को देखते हुए T20 सीरीज में भी नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था और ODI में भी नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 जो होने वाला है उसमें इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को उस वर्ल्ड कप में खिलाया जाएगा। और वनडे सीरीज के ख़त्म होने के बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, जिसमें दिग्गज खिलाड़ी की वापसी हुई है, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन वापसी की गई है, जिसमें वनडे टीम के स्क्वाड के लिए इस प्रकार है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, सुरेश अय्यर, लोकेश राहुल जो ODI सीरीज के कैप्टन रहेंगे, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, आवेश खान, अक्षदीप सिंह, आकाशदीप। और ODI में दीपक चहल की जगह आकाशदीप को खिलाया गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर पर दीपक चहल नहीं पहुंच पाए और उनका कहना है कि फैमिली में इमरजेंसी मेडिकल के चलते वह इस टूर पर नहीं जा सके और सीमित ओवरों के मैच में नहीं खेल सके, जिसकी वजह से आकाशदीप को मौका दिया गया है। वहीं मोहम्मद शमी भी टेस्ट सीरीज में खेलने वाले थे। इसी के साथ ही टेस्ट सीरीज में भी टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान रोहित शर्मा रहेंगे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, लोकेश राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। और टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी की वापसी होने वाली थी, लेकिन मोहम्मद शमी को मेडिकल की टीम से मंजूरी ना मिलने के कारण उन्हें टीम में नहीं लिया गया है और उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया है। वहीं 17 दिसंबर से ODI सीरीज चालू हो जाए, देखते हैं कि वह सीरीज कैसा होता है, T20 जैसा होता है या उससे अच्छा होता है। हम लोग यही चाहेंगे कि भारत की टीम सीरीज अपने नाम करे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जाकर दक्षिण अफ्रीका को हराना इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।